हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रिचा। मैं आज आपके साथ समर हेयर स्टाइल, जो कि किसी ने कमेंट करके मुझसे कहा है कि मैं उनको हेयर स्टाइल बताऊं, लेकिन मेरे हेयर इतने लेंथी नहीं है, इतने लॉन्ग नहीं है कि मैं कोई हेयर स्टाइल कैरी करूं। तो मैं ऐसी मैसी से बन बना लेती हूं कभी कभी। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं हेयर स्टाइल उनके साथ शेयर करूँ, उनको बताऊँ, तो मुझे इतना नहीं आता। आई होप उनको मैं जितनी भी हेयर स्टाइल बता रही हूँ और जो बन मैसी बन बताऊंगी उनको पसंद आए। तो वो उनका नाम है काव्या। काव्या को चाहिए कि मैं बहुत दिनों से वो मुझसे कमेंट कर रही हैं कि उनको मैं हेयर स्टाइल्स बताऊं, और जो उन्होंने फिर से कल मुझे कमेंट करके फिर बोला कि मैं उनको समर हेयर स्टाइल्स बताऊं। तो मैं उन्हीं के लिए कुछ हेयर स्टाइल बताऊंगी। मुझे आती तो नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि उनके हेयर्स कैसे हैं, लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं, किस तरह के हैं। मेरे हेयर तो बहुत थिन भी हैं, तो इसलिए मैं जैसे करती हूँ मैं वैसे ही बताऊंगी। और शायद कुछ लोग इस तरह की करते भी हों तो मुझे कमेंट करके मत बताइएगा कि मैं ऐसा करती हूँ, ये तो मैं आता ही है मुझे, तो ये सब तो सभी लोग करते ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सब हेयर स्टाइल को कैसे कैरी करना है, मैसी बंस कैसे बनाने हैं। थोड़े बहुत ही बताऊंगी मैं, ज़्यादा मुझे नहीं आते। चलिए सीख लेते हैं कि मैंने ये बनाया कैसे है। तो पहले आप इस तरह का ये बन बना लीजिए, इस तरह से आप पफ बना लीजिए। ऐसे पफ बना लेंगे आप। फिर उसके बाद आप क्या करेंगी कि इसको इस तरह से पकड़ लीजिए, सारे हेयर्स को, सारे हेयर्स इकट्ठे कर लेना है आपको। ये फिर आप इस क्लेचर के साथ ऐसे बना लीजिए, ऐसे, और इसको इस तरह से टाइट करिए। ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, सिक्योर रहेगा। देखिए इस तरह से बनाना है आपको। आप इस तरह से भी रख सकते हो और आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इस तरह से आप सामने से हल्के से बाल निकाल लीजिए, तो ये फर्स्ट हेयर स्टाइल हो जाएगा आपका। इसको देखिए, आप कहीं से भी नहीं हिल रहा है ये, इस तरह से। और अगर आप इसको मैसी बनाना चाहते हैं तो इस तरह क्या करिए कि इसी तरह से आप इसको रखिए और इसको थोड़ा नीचे की साइड ले जाइए। मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाऊंगी। इस तरह से आई होप आपको दिख रहा होगा कि मैं किस तरह से बना रही हूं। ये देखिए, अब यहां पर इस तरह का छोटा क्लेचर ले लीजिए और यहाँ पर इस तरह से टक कर लीजिए। तो ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा यही बताइएगा। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा छोटे हैं, थिन हैं, बहुत पतले हैं और इधर उधर से निकल रहे हैं, तो आप इनके इसके साथ आप लगा सकते हो। तरह से मैं आपको सिर्फ लगाना बता रही हूँ। आपको ब्लैक कलर का ही इस तरह का लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने वो खोल दिया है। तो अब हम तीसरी हेयर स्टाइल देखेंगे। पहली उस तरह की हो गई, एक क्लेचर के साथ मैंने लगाया था,
तो आप उस तरह से भी जा सकते हो, मार्केट जाना है आपको या कहीं और कोई कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं पार्क वगैरह, तो उस तरह से आप जा सकते हो उस हेयर स्टाइल में। और जो मैंने वैसी वन बनाया वो सेकंड हो गई है, तो अब मैं थर्ड आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से, ये इस तरह से ही रहने दीजिए जो मैंने पफ बनाया है। अगर आपका पफ थोड़ा सा लूज हो गया है तो आप इसको टाइट कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से हल्का ही पफ रखना है, ज़्यादा ऊपर पफ नहीं बनाना है आपको, इसी तरह पफ रखिए। और इस इन जितने भी बाल हैं ये सारे आपको इस तरह से, एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है, मैं सिर्फ उसमें देखकर ही बना रही हूँ, अपने आप अपने आप से ही बना रही हूँ सब। ये मैं पहली बार इस तरह का कुछ काम कर रही हूँ, तो ये वाला पतला रबर बैंड ले लेना है आपको इस तरह से, और इसकी पौनी बना लीजिए, पौनी टेल जैसी बनाते हैं उस तरह से बना लेना है आपको, क्योंकि ये दिखे नहीं इसके लिए मैं ये ले रही हूँ। तो इस तरह से आप ये बना लीजिए, और फिर आप इसको इस तरह से पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए। तो मेरे बाल बहुत पतले हैं और बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो इस तरह से ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब मैं इसको क्लैचअप कर लेती हूँ, टक कर लेती हूँ अच्छे से, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ये मेरा फेवरेट बन है, मैं इसको बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। और इतना पतला सा आपको ले लेना है ये क्लैचर, इतना छोटा सा जो आता है वो आप ले सकते हो, या फिर आप इस तरह का भी ले सकते हो अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं या फिर कहीं आप पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, तो इस तरह का एक्सेसरीज ले सकते हैं अच्छी अच्छी सी। तो इस तरह का हुक रहता है इसमें, तो आप इसको इस तरह से आप लगा सकते हो। पतले वालों में ये निकलेगा भी नहीं और ये अच्छे से लग जाएगा, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये कैसा लगा है, आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि ये अच्छा लगा है, ठीक लग रहा है कि नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और देखिए बाल भी मेरे कहीं से भी नहीं निकल रहे हैं, आप भी देख रहे हो, आई होप जो मैं आपको हेयर स्टाइल बता रही हूँ वो आपको पसंद आ रही हूँ। तो चलिए मैं दूसरा स्टाइल आपको बताती हूँ, इस तरह का आप कर सकते हो। फिर आप इस तरह से इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए बन बन बना के, और फिर इसको आप लूज कर लीजिए, और बीच में से इस तरह से आपको रखना है, ये देखिए इस तरह से आपको इधर से उंगली दिखनी चाहिए आपकी फिंगर, और फिर यहाँ से आपको इस तरह से अपनी चोटी को इसमें से निकाल लेना है, केयरफुली निकालिए, और इसको बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, टाइट होना चाहिए इसको, ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है मेरी। ये फोर हेयर स्टाइल हो गई आपकी, आप ऐसे भी जा सकते हो, और अगर आप कुछ थोड़ा अच्छा फैंसी सा कुछ लगाना है तो आप इसको यहाँ पर टक कर सकते हैं। कुछ अलग सा दिखने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए, थोड़ा सा अपने तरफ से भी आइडियाज लगा लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है खुद अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालना। ये देखिए, आई होप आप लोगों को आपको ये पसंद आ रहा हो काव्या। अब मैं इसको खोल के फिर आपको दूसरा दिखाती हूँ, तो आपको इसी तरह से आपको लगा लेना है, फिर से पौनी ऐसे बना लेनी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से आपको तरह से, या फिर आप कह करिए कि मेरे पतले वाले हैं तो आप इस तरह से नहीं, तो आप इस तरह से ऊपर कर लीजिए, ये
ये आपका क्लेचर दिखेगा नहीं, तो आप इसको यहाँ पर सिक्योर कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से टाइट कर लेंगे। आई होप ये दिख नहीं रहा हो, तो आप इस तरह से भी आप बना सकते हो। देखिए आपके आपका वो क्लेचर भी नहीं दिखेगा और ये थोड़ा वॉल्यूमनाइज हो गया ये हेयर स्टाइल। ये देखिए आप इसको भी कैरी कर सकते हो, और अगर आपको इसको कैरी नहीं करना है और फिर से आप कुछ अलग करना है तो आप यहाँ पर इसको टाइटली ब्लैक कलर के साथ इसको टक कर लीजिए, नहीं तो इसको आप इस तरह से पूरे ईयर्स को लेकर सारे ईयर्स ले लीजिए और इस तरह से आप लगा लीजिए, तो आपका ये हेयर स्टाइल मैसी बन जैसा तैयार हो जाएगा। और आप इस तरह से इसको बालों को इस तरह से निकाल लीजिएगा, इस तरह से निकाल लीजिए। अच्छा लग रहा है, ये देखिए आप जितने भी हैं आप क्लेचर के साथ कैरी कर सकते हो। तो मुझे इतना ही मैं अभी बता रही हूँ आपको। आई होप आपको पसंद आए हो काव्या जी। तो गाइज आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो। मैं बहुत एफर्ट डाला है जब जाके मैंने इस हेयर स्टाइलों को बनाया है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए, मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो बाय। काव्या जी, आप लोग आपको अगर ये हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, मैसी बंस वगैरह। और भी मैं ट्राई करूँगी कि मुझे अब थोड़े से लॉन्ग हो जाएंगे हेयर, तो मैं आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल्स कैरी करना बताऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, बाय।